या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पांचवा, छठा, सातवां और आठवां अध्याय। तो सबसे पहले पांचवें अध्याय का श्रवण करते हैं और दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटने का वर्णन किया गया है। तो पाठ सुनने से पहले माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान कीजिए, ओम नमः चंडिकायै इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पूरे भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। तब उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नैऋत्रि अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी अर्थात शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार करते हैं, दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा अर्थात सबकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार हम प्रणाम करते हैं, जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से अर्थात क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है,
जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी जी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में ही शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं और समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में ही शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है और अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। तब वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन ही चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे ही अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उसे भी देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास ही आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा,
हे दूत, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड से भरी हो। मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तब देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं। किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपने साथ सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी के यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। ओम नमः चंडिकायै। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ।
और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का सातवां अध्याय, जिसमें चंड और मुंड के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती तो किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम नमः चंडिकायै। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का आठवां अध्याय। आठवें अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुई यात्रा करें। 50 कौटिवीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौरहृद, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया।
फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेश और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षशूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए और महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। और इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथों में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है, वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, और इसके साथ ही इनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें, और यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं अर्थात योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की दृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका खचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती, उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी के त्रिशूल से तथा वैष्णवी के चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धार बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपनी नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे।
वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम इस रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से जो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चटकर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। ओम नमः चंडिकायै। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा सप्तशती का आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। आशा करती हूँ आप कल भी कथा जरूर सुनेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।